अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और सब इंतज़ार होगा नेक्स्ट सेशन का। तो आज इंशाल्लाह हम सूरह बकरा की आयत नंबर 36 और 37 का मुताला करेंगे इंशाल्लाह। और इस सेशन में आपको मालूम है कि हम एक सेशन में हम तर्जुमा और तफसीर करते हैं और एक सेशन में हम इसके ग्रामर एनालिसिस यानी कि एराब करते हैं। तो आज ये सेशन जो है वो एराब के लिए है, ग्रामर एनालिसिस के लिए। शुरू करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, आयत नंबर 36 ये शुरू हो रही है फा से। फा जो है हर्फ आतिफा है और इसका मतलब है ये पीछे वाली आयत से कनेक्टेड है। और पीछे इससे पिछली आयत यानी कि आयत नंबर 35 में हमने देखा था, पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हज़रत आदम और हज़रत हवा को कहा कि उसकुन वक़ुलना या आदम उसकुन अंता वज़ौजुकल जन्नता वकुला मिन्हा रगदन हैसु शैतुमा। तो यहाँ पे जन्नत में रहने को आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को कहा और इसमें जन्नत का जिक्र है, जन्नत अल्फाज में, जैसे इस आयत में। अब हम आगे आयत में पढ़ते हैं। अच्छा, फा के साथ है ये जो हर्फ आतफ फा इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे आयत में शुरू में। तो फा से जब दो वाक़यात के दरमियान जो फासला होता है, जो डिस्टेंस होता है, टाइम डिस्टेंस, वो कम होता है। और सुम्मा में अगर आता है तो उसके दरमियान जो फसल होता है, फसल यानी कि टाइम डिस्टेंस जो होता है, टेम्पोरल सीक्वेंस में देखें तो टाइम डिस्टेंस सुम्मा जब आता है तो ज्यादा होता है और फा जब आता है तो कम होता है। तो उन्होंने जन्नत में रहना शुरू किया और उसके बाद फिर इस आयत में है फ़अज़ल्लाहुमा शैतानु। अज़ल्ला फ़ेल मादी, फ़ेल मादिन, और ये बाब इफ़ाल से आ रहा है। अज़ल्ला युज़िल्लु, ठीक है, अज़ल्ला युज़िल्लु, तो बाब इफ़ाल से आ रहा है। अज़ल्लाहुमा यानी के फिसला दिया, लग़ज़िश दे दी दोनों को। हुमा ज़मीर मुत्तसिल और ज़मीर मुत्तसिल मफ़ऊलुन बिही, ठीक। अश-शैतानु फ़ाइल। अज़ल्ला में हुआ की ज़मीर मुस्ततिर है ना, हिडन है, तो हुआ हिडन है, इनसाइड डूअर। और अश-शैतानु असल फ़ाइल है, आउटसाइड डूअर। अनहा मुतालिकान भी अज़ल्लाहुमा, ठीक, जार मजरूर मुतालिकान भी अज़ल्लाहुमा। अच्छा, इसमें अनहा जो फिसला दिया या लग़ज़िश दे दी, कहाँ उन दोनों को, कहाँ जन्नत से फिसला दिया, जन्नत से जन्नत में उनका जो क़याम था उससे लग़ज़िश दे दी, उनको वहाँ से उनके पैर हिला दिए, ठीक है। अनहा, हाज की जो ज़मीर है इसमें अनहा, तो हा की जो ज़मीर है इसका मर्ज है जन्नत, जन्नत पिछली वाली आयत में जो है, ठीक है। फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीही। फ़ा फिर वही फ़ा आतफ़ा है। अख़रजहुमा पस उन दोनों को निकाल दिया। अख़रजा फिर बाब फ़ाल से है, शैतान ने उन दोनों को निकाल दिया। अब इसमें दोबारा शैतान नहीं आया, ठीक है, लेकिन जो फ़ाइल है वो शैतान ही है। फाखरजा हुमा, उन दोनों को। अच्छा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उन दोनों को शैतान ने वर्गलाया, उन दोनों पे असर हुआ और वो उन दोनों को निकाला। मेमा जार मजरूर मुतालिक अखरजा, नो सॉरी, मेमा मेन है वो हर्फ जर है और मा इसम मौसूल है और दोनों मुतालिकान हैं अखरजा हुमा की, और माँ इस्म मौसूल है लेकिन ये इसके जो एराबी हालत है वो जर है। क्यों? क्योंकि ये मिन के बाद आ रहा है, ठीक है। तो फी महली जर है इसकी एराबी हालत। अब और काना फी ही जो है वो इसका सिला है, ठीक। काना फी ही माँ का सिला है, माँ इस्म मौसूल और काना फी ही सिला। अब इस ये काना से जो जुमला शुरू होता है वो जुमला इसमिया, ठीक है, जुमला इसमिया। तो काना में जो है ये काना है और फिर अलिफ मुसन्ना है। ये सिर्फ काना नहीं है बल्कि काना, काना पहले नाकिस है और फिर इसमें जो इस्म है, काना में जो इस्म है वो अलिफ मुसन्ना है। वो दोनों जिसमें थे, जिस जगह थे, जिस ऐशो आराम में थे, उसमें से उसने उन दोनों को निकलवा के छोड़ा, निकलवा दिया, ठीक। अच्छा अगली फिर इसी आयत में अगला हिस्सा ये हो गया कि फिर आखिरकार शैतान ने उनको लग़ज़िश दी वहां से और उन्हें उस ऐशो आराम से निकलवा दिया जिसमें वो थे, मिम्मा काना फीही, जिसमें वो थे। वाओ फिर आतफा, और क्या हुआ फिर क्या हुआ? कुलना, हमने कहा अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा इहबितू। अच्छा इसमें इहबितू जो है यहाँ से मक़ूलुल क़ौल है, ठीक है। और इहबितू खुद जो है फ़ेल अमर है और वाओ बता रहे हैं कि ये जमा का सीगा है। अब इसमें तस्निया नहीं है, ये देखिए इहबितू, तुम सब नीचे उतरो, तुम सब के सब नीचे उतरो। अब इसमें जो है इसमें आदम और हवा तो आए, इसके अलावा शैतान और शैतान के सारी जो ग्रुप है वो पूरा, इहबितू तुम सब नीचे उतरो, बादुकुम लिबादिन अदू, ये पूरा मक़ूलुल क़ौल चल रहा है और यहाँ भी चल रहा है। वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुम व मतआउन इलाहीन, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक मक़ूलुल क़ौल चल रहा है। अच्छा इसमें इहबितू फ़ेल अमर है और बादुकुम लिबादिन अदुवन, ये पूरा जुमला जो है ये उसका हाल है, इहबितू का, तुम सब नीचे उतरो इस हाल में कि तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे। इसमें बादुकुम मुब्तदा, लिबादिन जो है जार मजरूर मुतालिक बिल खबर और अदुवन खबर है, ठीक। लेकिन ये पूरा जुमला क्योंकि हाल बन के आ रहा है इहबितू की, तो इस जुमले की जो एराबी हालत होगी वो फी महली नस्ब होगी क्योंकि ये हाल बन के आ रहा है इहबितू का, ठीक है। अच्छा वलकुम, वाव जो है वाव आतफा, लकुम जो है जार मजरूर मुतालिकान बि महजूब खबर मुकद्दम, इसमें खबर मुकद्दम है, और तुम लोगों के लिए। फिल अर्दी ये भी मुतालिक है किससे? मुस्तकर से, जो कि मुब्तदा मौखर है। लकुम जो है जार मजरूर मुतालिक खबर मुकद्दम, मुतालिक खबर मुकद्दम महजूफ, खबर महजूफ है और उससे मुतालिक है लकुम। फिल अर्दी जो है मुतालिक मुस्तकर है और मुस्तकरुन जो है वो मुब्तदा मौखर है। और जमीन में तुम्हारे लिए ठहरने का एक खास वक्त तक ठहरने का, जमीन तुम्हारे लिए एक खास वक्त तक ठहरने का मुकाम है। वह मताउन इलाहीन, और वहाँ पर फायदा उठाने के लिए सामान भी मौजूद है, तुम्हारे फायदा उठाने के लिए, रोजमर्रा के फायदा उठाने के लिए सामान भी मौजूद है। इलाहीन, एक वक्त मालूम तक, एक खास वक्त तक। वाओ फिर आतफा, और मताउन जो है वो मुस्तकर पे मातूफ है, यानी ये मुब्तदा है। मताउन और इलाहीन जो है वो जार मजरूर मुतालिक सिफा मताउन की जो सिफा है उससे मुतालिक है। अच्छा, मुस्तकरुन की का सर्फ ये है कि ये बाब इस्तिफाल से इसम जर्फ मकां है, ठहरने की जगह। इस्तकर्रा यस्तकर्रु तो ये करार पाने की जगह। वैसे तो करार पाने की जगह में तो मुस्तकिल का मीनिंग है, लेकिन जब ये आखिर में इलाहीन आया ना तो इससे एक वक्त मालूम तक तुम्हारे लिए ये ज़मीन जो है वो करार पाने की, ठहरने की जगह है, ठहरने का मुकाम है। ठीक है, ये आयत हुई। फिर हम अगली आयत पे चलते हैं। अच्छा, जब उतरने को ज़मीन से पे उतरने को कहा तो फिर उसके बाद अगली आयत में फ़तलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन, फिर फ़ा से आ रहा है, फ़ा आया है और फ़ा यहाँ पे इस्तेनाफिया है, नया जुमला है। और लेकिन फ़ा फिर वही बात कि फ़ा जब आता है तो दो वाक़यात के दरमियान फासला कम होता है, यानी कि जब जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम निकाले गए तो फिर उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको तफवीज़ किया वो अल्फाज जिससे वो दुआ करें, यानी कि सीख लिया आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ दुआया कलमात। तलक़्क़ा जो है, तलक़्क़ा फ़िअल मादी है लेकिन इसका बाब तफ़ाउल है। ठीक है, तलक़्क़ा, और इसमें हुआ की ज़मीर फिर मुस्ततिर है, यानी कि इनसाइड डूअर है। आदमू जो है वो आउटसाइड डूअर। ठीक है, आदमू फाइल, मिर रब्बी ही मुतालिक बिलफेल तलक़्क़ा, और कलिमातिन जो है वो मफूलन बिही, क्या सीख लिए, कलिमात सीख लिए। और कलिमातिन जो है वो जमा मुअन्नस सालिम है, इसलिए मंसूब बिल कसरा है। अच्छा, फताबा अलैहि, फिर फा के साथ हर्फ अतफ है तो अल्लाह ताला ने उनकी फिर तौबा कबूल फरमाई। ताबा अलैहि के साथ आता है तो अल्लाह ताला के लिए कि अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। ताबा इला का मतलब तौबा की दरख्वास्त करना, तौबा की दरख्वास्त करना अल्लाह ताला की तरफ। और ताबा अलैहि अला के सिले के साथ आता है तो फिर तौबा कबूल फरमाना, अल्लाह ताला का तौबा कबूल फरमाना। अच्छा, फिर इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, जुमला इस्मिया इन्ना से शुरू हो रहा है, इन्ना हर्फ मुशब्बा बिल फेल और हु जो है वो इस्मो इन्ना है और मंसूब है। ठीक है, मंसूब है, मुत्तसिल है तो देखने में तो ऐसा ही दिखेगा हु, लेकिन ये फी महली नस्ब है क्योंकि ये मंसूब है, इसमें इन्ना मंसूब। फिर हुआ जमीर फसल, अत्तवाबु खबरू इन्ना मरफू, और अर्रहीमु भी खबर है और खबरसानी है, खबर अव्वल और खबरसानी। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो हैं ही बहुत तौबा कबूल करने वाले, बहुत मेहरबान। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हुआ जो है वो ज़मीर फसल है, और इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इन्नहु जो है वो मुब्तदा, ये जुमला इस्मिया है ना, तो इन्नहु जो है वो मुब्तदा, इसको ब्रैकेट दूसरी कर देती हूँ। इन्नहु जो है वो मुब्तदा और हुवा तव्वाबुर रहीम जुमला इस्मिया खबरू इन्ना, इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं। और फिर उस जुमला इस्मिया में जो कि खबर बन के आ रहा है उसमें हुआ मुब्तदा और तव्वाबुर रहीम खबर अव्वल खबर सानी, इस तरीके से भी कह सकते हैं। और हुआ को ज़मीर फसल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह दोनों आयत का एराब ग्रामेटिकल एनालिसिस। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। मैं दुआ के साथ रिकॉर्डिंग ख़त्म करती हूँ, सेशन को ख़त्म करती हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना ग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अब्रार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।